से गलत कौन है? मतलब तीन सही हैं एक गलत है यार, तो गलत कौन सा हुआ मैं निकालना। प्योर सेमीकंडक्टर डॉप विथ ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी गिव ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राई वैलेंट की इंप्योरिटी करोगे तो ऑब्वियसली डिफिशियंसी ऑफ एक खाली जगह बच जाती है, और उस खाली जगह को हम होल बोलते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हुआ। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। फॉल्स। मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। ये तो गलत है, तो ये सही है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट ये भाई मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप जो है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बॉन्ड ब्रेक होता है, चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, मतलब बी ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। चलो, विच आर द फॉलोइंग फोर लॉजिक